बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं हूं फिज़ा और वेलकम करती हूं आपको लाजवा पकवान में। लाजवा पकवान में आज मैं आपके लिए बेहतरीन किस्म के मटन की रेसिपी लेकर आई हूं। इतना जूसी, इतना सॉफ्ट और कम स्पाइसेस के साथ बनने वाला ये काली मिर्च का मटन इतना बेहतरीन बनकर तैयार होगा, वो भी कम टाइम में, कि देखने वाले हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने किचन में, उसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक प्रेशर कुकर लेती हूँ जिसमें मैं ऐड करती हूँ 1 कप ऑयल। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करती हूँ जिसमें है 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 7 से 8 साबुत काली मिर्चें, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 लौंग। मसाले को हल्का सा हम ऑयल में फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज को भी यहाँ पर मैं ऑयल के अंदर 2 से 3 मिनट तक फ्राई करूँगी ताकि प्याज का जो हल्का सा गोल्डन कलर है वो इसके ऊपर आ जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मटन। यहाँ पर 1 किलो मटन ले रही हूँ मैं। मटन के जो पीसीज हैं वो थोड़े छोटे कर लीजिएगा, बहुत बहुत बड़े पीसीज हमने इसमें मटन के नहीं करने। अब हमने मटन को तब तक पकाना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट। इसको हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन से जो गोश्त की स्मेल होती है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। इसको हमने इसके अंदर पकाना है और गोश्त को भी हमने इसके अंदर इसकी भुनाई करनी है कोई 4 से 5 मिनट तक। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी दही। ये घर का जमा हुआ दही है, 1 प्लेट मैंने इसके अंदर दही की ऐड की है। इसको ऐड करने के बाद जो गोश्त होगा वो भी अपना पानी छोड़ देगा और जो दही है उसका पानी भी इसके अंदर होगा। इसलिए इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। 2 से 3 मैंने लिए हैं टमाटर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है काली मिर्च वाले मटन का। ये एक डिफरेंट और बेहतरीन किस्म की मटन की रेसिपी है। इससे मटन जो है बहुत ज़्यादा जूसी बनेगा, इतना सॉफ्ट बनेगा, इतना टेस्टी बनेगा कि खाने वाले इसको खाते ही रह जाएंगे। पानी इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 से 2.5 गिलास। अगर आपका जो मटन है वो थोड़ा सख्त है तो आप इसमें पानी ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर कुछ भी कोई मसाला भी ऐड नहीं किया नमक मिर्च का। इसको बस इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून या फिर हसबे ज़ायका, सुरख मिर्च या फिर हल्दी पाउडर। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना। इसको मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे ताकि हम इसको प्रेशर दे सकें। तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट तक प्रेशर देंगे ताकि गोश्त जो है अच्छे तरीके से कुक हो जाए। चले जी, 15 से 20 मिनट के बाद जब हमने इसका कवर हटाया तो अभी इसमें पानी मौजूद था लेकिन गोश्त जो है मटन अच्छे तरीके से हमारा गल चुका है। हमने निकाल कर देखा था। पानी को हम इसका ड्राई कर लेंगे और इसकी मज़ीद अच्छे तरीके से भुनाई करने के लिए हम इसको कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। खुले बर्तन में जब हम गोश्त की भुनाई करते हैं तो गोश्त का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इससे गोश्त की बहुत ही अच्छे तरीके से भुनाई हो जाती है। इस तरीके से जब आप मटन बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन किस्म का जूसी, सॉफ्ट और इतना मज़ेदार बनकर रेडी होगा कि आपको इसके साथ रोटी खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही इसको खा लेंगे। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी खुश्क धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। स्पाइसेस हम इसमें बेस यही ऐड करेंगे। इसकी हमने अच्छे तरीके से भुनाई करनी है जब तक जो गोश्त है वो ऑयल नहीं छोड़ देता। ये इसकी पकने की निशानी होती है। आप देख सकते हैं कि गोश्त ने काफ़ी हद तक जो है वो ऑयल छोड़ दिया है। इसकी भुनाई तकरीबन यहाँ पर कम्प्लीट हो चुकी है। मज़ीद हम इसमें 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। इसमें हरी मिर्ची हमने ऐड कर दी थी और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा जिसको हमने अच्छे तरीके से पीस लिया था और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया। चलें जी, रेसिपी इस स्टेज पर बिल्कुल मुकम्मल हो जाती है। लास्ट पर बस हम इसके अंदर ऐड करेंगे मलाई भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 3 टेबलस्पून क्रीम की ऐड की है। इससे जो गोश्त का टेस्ट हो जाता है वो डबल हो जाता है। लास्ट पर इसको ऐड कीजिएगा जब आप बिल्कुल फ्लेम बंद करने वाली हों। तो इसको मिक्स करके ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे और अदरक की इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस ऐड करेंगे। खुशबू भी बहुत ही अच्छी आती है, साथ ही टेस्ट भी इसका बहुत ही कमाल का हो जाता है। इस तरीके से इसको सर्व करेंगे, यकीन करें इतना मज़ेदार तरीके से ये मटन जो है वो रेडी होगा।
बच्चों को, बड़ों को, सभी घर वालों को ये मटन जो है बहुत ही मज़ेदार लगेगा। मेहमान जब आपके घर में आए, या फिर आपने घर में दावत करनी हो किसी की ईद के मौका पर, या फिर वैसे ही दावत करनी हो, एक डिश इस तरह से बनाएंगे तो सभी आपकी बहुत ही तारीफ़ करेंगे। इतना जूसी होगा, इतना सॉफ्ट और इतना मज़ेदार कम स्पाइसेस के साथ बनने वाला ये मटन। आपकी ज़िंदगी में ऐसा बेहतरीन मटन कभी भी आपने नहीं खाया होगा। इस तरीके से एक बार ट्राई करें, यकीन करें सबको ही बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो लाजवाब पकवान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दें, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कर दें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।